ये हार्ट अटैक कभी भी किसी को हो सकता है, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक या पैरालिटिक अटैक। अगर खड़े पैर किसी को हो जाए और एकदम बंदे की हालत ऐसी हो जाए कि उसके पास बचना मुश्किल हो जाए तो क्या करेंगे आप? कार्डियक कंप्रेशन, जिसको बोलते हैं कोड ब्लू ट्रेनर, ये मशीन, और ये आपने देखा होगा एयरपोर्ट पे लगे हुए और बस स्टैंड पे लगे हुए, रेलवे स्टेशन पे लगे हुए आपने देखे होंगे। ये कार्डियक कंप्रेशन एक ऑटोमेटिक किट आती है। क्या करना है मैं पहले बताता हूँ आपको। तो किसी को अगर हार्ट अटैक पड़ जाए तो उस कंडीशन में सबसे पहले उसको इस तरह बिठा दें, इस तरह बिठा दें, बिल्कुल दीवार का सहारा देके। तो ऐसे बिठा देना है और उस टाइम पे ये जो प्रॉब्लम है, ये हम बात कर रहे हैं कार्डियक अरेस्ट की। तो मैडम एक बार कार्डियक अरेस्ट को एक्सप्रेस कर दो आप प्लीज। जी, कार्डियक अरेस्ट वो सिचुएशन है जिसमें कि बिल्कुल पेशेंट जो है उसका हार्ट बंद हो जाता है एकदम से, कि बिल्कुल ये समझ लीजिए कि डेथ होगी। तो उसमें पहले 4 मिनट ही हमारे पास होते हैं कि जब हम कुछ कर सकते हैं, उसके बाद कुछ नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले हमने चेक करना है कि इनकी, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसके साइड पर यहाँ पल्स होती है, ये पल्स हमने चेक करनी है 3 बार 3 सेकंड के लिए। अगर ये है तो हमें कार्डियक कंप्रेशन नहीं करना। अगर ये पल्स एब्सेंट है, दोनों तरफ से हम चेक कर सकते हैं, यानी कि ये पल्स अगर नहीं है तो सिर्फ ये करना है, बाकी उपाय अलग हैं। अगर पल्स नहीं है तो ये करना है। आप स्टार्ट करें, कैसे करना है ये देखिए इधर आप, किस तरह ये कोड ब्लू ट्रेनर पे हम ये पोजीशन कैसे लेनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। कि ये जैसे पेशेंट के दोनों निपल्स हम देखेंगे इधर, ये निपल्स कि अगर हम एक लाइन मिला दें और ये सेंटर वाली बोन से लाइन मिला दें, तो जहाँ ये मिलते हैं इस पोजीशन के ऊपर अपने हाथों को लॉक करके, जैसे इन्होंने किया हुआ है इधर रख के बताइए, और ऐसे यहाँ पे रख के कंप्रेशंस कैसे करने हैं वो हम इस पे करके दिखाएंगे। ये कोड ब्लू ट्रेनर है, तो जैसे ये कर रहे हैं बिल्कुल इसी स्पीड से 1 मिनट में 100 से 120 बार आप करेंगे, 1 इंच से लेकर 1.5 इंच की डेप्थ तक, छोटे बच्चों में 1 इंच तक और एडल्ट्स में जो 1.5 इंच की डेप्थ तक ये कंप्रेशंस लगातार करने हैं। याद रखिए सीपीआर नहीं देना है, केवल कंप्रेशंस करने हैं। सीपीआर मतलब मुंह से कुछ नहीं करना, मुंह से सांस नहीं देना, ये है कार्डियक कंप्रेशन के टाइम पे। अगर किसी को हार्ट अटैक पड़ा है, ये हार्ट अटैक पड़ा है, तो उसके अंदर या तो कोई ब्लॉकेज है या हार्ट को सप्लाई नहीं मिल रही है या वीक सप्लाई है, इसके ऊपर पूरे वर्ल्ड में ये मैं दवाइयां बता रहा हूं जो हार्ट अटैक के टाइम पे, लकवे के अटैक के टाइम पे, ब्रेन स्ट्रोक के टाइम पे पेशेंट को देनी है। पूरे विश्व में रिसर्च पेपर छप चुके हैं, ये देखो, ये आपका रिसर्च पेपर है जर्नल ऑफ एक्यूपंचर एंड मेरिडियन स्टडीज, जिंजर फार्माकोपर, ये पूरा का पूरा रिसर्च पेपर आपके सामने है, ये इंटरेस्ट है जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर मेडिसिन में। उस टाइम पे आपने करना क्या है, फटाफट पेशेंट को इतनी बड़ी अदरक के टुकड़े, जिसको हार्ट अटैक पड़ा है उसको बोलना है कि इसको चबाना शुरू करो, जिनको हार्ट अटैक पड़ा है उनको भी मैं दे रहा हूँ, आप इसको चबाना शुरू करो, इसको चबाते जाओ और इस तरह बैठ जाओ, आप भी इस तरह बैठ जाओ दीवार का सहारा लेके, ये जो बैठना है ये दीवार का सहारा लेके बैठना है। इसके अलावा जो एयरपोर्ट पे ये मशीन लगी होती है, इसका क्या रोल है, क्या इसका लॉजिक है, ये इस तरह की जो मशीन AED मशीन बोलते हैं, ये आपको इन पेशेंट पे हम बता रहे हैं, क्योंकि एयरपोर्ट पे, बस स्टैंड के ऊपर, रेलवे स्टेशन के ऊपर और आजकल हर बड़े हॉस्पिटल में ये मशीन लगी होती है, ये ऑटोमेटिक मशीन है। तो इस तरह की एक मशीन इस पेशेंट पे लाके आप करिए, आप अपना कंप्रेशन जारी रखिए उधर, क्योंकि हमें ट्रेनिंग देनी है बेसिकली आप लोगों को कि इमरजेंसी की स्थिति में करें क्या। तो इस तरह जो ये मशीन है, डॉक्टर मंजीत और डॉक्टर अनु हमारे हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ से, ये हम आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, पेशेंट को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये इस तरह कंप्रेशन देने थे जो कि 1 मिनट में 100 होने चाहिए, 1 मिनट में 100। और पोजीशन दिखाइए, इनके पैर कैसे हैं, बॉडी कैसी है, और देने कब है, फिर सुन लीजिए ध्यान से, देने कब है, मैडम ने बताया अगर वो वाली पल्स, ये वाली पल्स नहीं मिल रही तो, वरना ये नहीं करना। और ये कब करना है मैडम? ये जैसे डिफिब्रिलेटर हमने देखा है कि जब पेशेंट एकदम से कार्डियक अरेस्ट में चला जाता है तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं, लेकिन जो वो मशीन्स होती हैं वो बहुत प्रोफेशनल लोग ही यूज़ कर सकते हैं। ये जो AED है ऑटोमेटेड होती है, अपने आप से ये वोल्टेज भी सेट करती है। तो इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि 2 ये इलेक्ट्रोड्स हैं, 2 चेस्ट पीस है, इनकी पोजीशन यही, डॉक्टर मित्र साइकिल लगा के दिखाइए, तो ये आप देख रहे हैं इसके ऊपर बनी होती है डायरेक्शंस कि किसको कहाँ पे लगाना है। ये कोई भी लगा सकता है, एग्जैक्टली जिस पोजीशन पे ये इसको बताया गया है बिल्कुल उसी एंगल में इसको लगाना है। और दूसरा चेस्ट पीस जो है ये यहाँ पे बताया गया है, तो इसको बिल्कुल ऐसे ही लगाना है यहाँ पे भी। जी हाँ,
उसके बाद हमें कुछ नहीं करना होता, खाली इसको हमने ऑन करना होता है और ये अपने आप से सारी इंस्ट्रक्शंस देनी होती है। ये ग्रीन बटन है जिसको ऑन करना होता है, और ये मैडम बाकी आप बताओ। जी हाँ, तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो अपने आप हमें उस समय ये करने के बाद सुनना होता है। ये अपने आप से पेशेंट की पल्स लेता है, ईसीजी लेता है और हमें बताता है कि किस टाइम पर शॉक देना है। ये देखिए, ये जो तीन नंबर बटन है ये शॉक देने का है। जब ये मशीन बोलेगी कि पेशेंट से दूर हो जाएं और तीन नंबर का बटन दबाएं, तो ये दबाएंगे तो पेशेंट को अपने आप से इलेक्ट्रिक शॉक जो है डिलीवर होएगा। ये करने से हम चार मिनट के अंदर अंदर एक मरे हुए व्यक्ति को वापस जिंदा कर सकते हैं, उसकी जान बचा सकते हैं। और ये जो वीडियो है आपके भले के लिए, किसी आपके अपने की जान बचाने के लिए बना रहे हैं। और जिनको हार्ट अटैक पड़ा है उनको अदरक चबानी है, इतनी चबानी है, इतनी चबानी है कि आंखों से पानी आ जाए। तो जब आपकी आंखों से पानी आए आप बता देना, आपको भी जब आंखों से अच्छी तरह चबाओ अदरक को। तो ये मैं बता रहा हूँ उस टाइम पर करना क्या है। ये देखिए, इधर एक बार कैमरा लाइए, ये अदरक, ये हल्दी, ये लहसुन और ये लाल मिर्च, ये चार आइटमें उस टाइम आपकी जान बचाएंगी। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये बोल रहे हैं रिसर्च पेपर, ये नेशनल लाइब्रेरी का रिसर्च पेपर है। जिंजर एक्सट्रैक्ट कंजप्शन कोलेस्ट्रॉल को ठीक करता है, हार्ट को हेल्प करता है। ये इसके बाद देखिए, जिंजर एक्सट्रैक्ट कंजप्शन प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल को और हमारे LDL के अब्जॉर्प्शन को ठीक करता है और हार्ट को बचाता है। ये क्या बोल रहा है, क्रॉनिक डिजीज में भी काम करता है। तो ये जो हमारे रिसर्च पेपर्स हैं जो हमारे अलग अलग जर्नल में इस हल्दी पर, इस अदरक पर, लहसुन पर, लाल मिर्च पर रिसर्च पेपर छप चुके हैं, ये देखिए ध्यान से। जिंजर ए हॉट रेमेडी फॉर कार्डियोवास्कुलर डिजीज, यानी कि हार्ट अटैक पड़े तो अदरक बचाएगी। और ये हमारा जो हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में है, ये किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर और हार्ट के पेशेंट पे काम करता है। और ऐसे टाइम पे अगर अदरक नहीं पड़ी घर पे, तो आप हल्दी के दो टुकड़े, लहसुन के दो टुकड़े भी उनको दे सकते हो। ये भी चबाओ साथ में, आप हल्दी और लहसुन भी साथ में काम करेगा, ये भी ले लो थोड़ा थोड़ा। तो हल्दी, अदरक और लहसुन, इनमें से जो पहले मिल जाए वो फटाफट आप चबाना शुरू कर दें। और इमीडिएटली इसी टाइम पे हम देखेंगे जो कंप्रेशन थे वो पूरे हो जाएंगे और पेशेंट आपकी जान बच जाएगी। AED हमने आपको यूज़ करना सिखा दिया।